अजीत पवार पर कभी नरम और कभी गरम शरद पवार का रवैया पार्टी में हुई बगावत के बाद से ऐसा ही रहा। कभी वे पार्टी में टूट की परिभाषा बताते हैं तो कभी अजीत पवार को अपनी पार्टी का नेता, फिर कभी ये कहते हैं कि मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। शरद पवार की सियासत इसी अंदाज में चल रही है। लेकिन अब अजीत पवार ने शरद पवार गुट पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत अजीत पवार ने बारामती से ही की, जहां उनकी शानदार और जोरदार रैली हुई। इस रैली के तुरंत बाद छगन भुजबल ने शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छगन भुजबल ने कहा कि शरद पवार ने ही अजीत पवार को बीजेपी से बात करने के लिए भेजा था और सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने अपने पैर वापस खींच लिए। छगन भुजबल ने शरद पवार से तीखे सवाल पूछे और कहा, मैं आपसे 2014 से आज तक की घटनाओं के बारे में पूछना चाहता हूं। आपने अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल को दिल्ली जाने, चर्चा करने और मंत्री पद के साथ साथ विधायक और सांसद की सीटें भी मांगने को कहा। यहां तक कि जयंत पाटिल भी उस सूची में थे। अब क्या हुआ? उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग पवार के मंच से भाषण दे रहे हैं वे सभी भाजपा से हाथ मिलाने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करता है। ये भुजबल का विधानसभा क्षेत्र था जहां अजीत पवार और उनके समर्थक नेताओं के विद्रोह के बाद पार्टी का पुनर्निर्माण करने की घोषणा के बाद पवार ने पहली सार्वजनिक रैली की थी। भुजबल ने कहा, यहां एकत्र हुए लोग अपने आप में इस बात के सबूत हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के साथ है और राष्ट्रीय कम्युनिस्ट अध्यक्ष अजीत दादा हैं। उन्होंने दोहराया कि सभी राष्ट्रीय कम्युनिस्ट विधायकों ने भाजपा को समर्थन देने वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने दावा किया कि ये शरद पवार ही हैं जो 2014 से हमें भाजपा की ओर धकेलने का तरीका दिखा रहे हैं। इस बीच विपक्ष की ओर से बनाए गए गठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि शरद पवार सहित सभी नेता भाजपा को 2024 में सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होकर तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।